जो मेरा भी है ना पूरी कोशिश है कि वीडियोस बननी नहीं रुकनी चाहिए। आपने मुझे यूट्यूब चैनल पे सपोर्ट करना है और मेरे वीडियोस को आप में शेयर करनी है, उसको लाइक करना है, उसको सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि मैं आने वाले वक्त में चाहे मैं कितना क्यों नहीं बिजी हूँ लेकिन मेरी वीडियोस बेतहाशा आएंगी और इतनी आएंगी इसी कोई हद नहीं होगी। और मैं हर एक कंटेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ, ना कि सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में बल्कि कुछ भी जो दुनिया में चल रहा है, जो ह्यूमन बींग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, सारे टॉपिक्स हैं, उन सब के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। और मेरा ये है सबसे बड़ी कि मैं आप लोगों को अवेयरनेस दूँ हर चीज़ के बारे में, और जिन चीज़ों का मुझे नहीं पता था उन चीज़ों के बारे में आपको बताऊँ। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया हंगरी में तो मुझे कितनी चीज़ों का नहीं पता था, यहाँ के स्कॉलरशिप के बारे में और चीज़ों के बारे में, यूरोप के जो है सिस्टम के बारे में, लेकिन अब मुझे अल्लाह का शुक्र है काफ़ी चीज़ें सारी पता हैं। तो मैं चाहता हूँ जो चीज़ मैंने सीखी वो मैं आप मुझसे उसको शेयर करूँ, और ताकि मुझे जो मुश्किल हुई है मेरी कोशिश है आप लोगों को मुश्किल नहीं हो। यही एक इंसानियत से होती है कि आप जो है दूसरों को जो है ना वो अगर आप कहीं घिरे हो तो आप दूसरों के नीचे बचाते हो। तो मेरी पूरी यही कोशिश है कि मैं आप लोगों को जो है वो गाइड करूँ जितना मुझसे हो सकता है, और जितनी मुझसे हो सकता है मैं आप लोगों को अच्छी एडवाइस करूँ, और जितना मैं आगे जाके एजुकेशन की उसमें भी पर्पज़ से बात करूँगा, मेरा कंटेंट आएगा जिसमें मैं मुख्तलिफ कंट्री के जो स्कॉलरशिप्स हैं उसको किस तरह अवेल किए जाए। यार देखो बात सही बताऊँ क्या है, लोग जो है ना हमारी कौम बहुत जज्बाती है, टू बी ऑनेस्ट हम बहुत जज्बाती लोग हैं, हमें गर्म गर्म खाने का हर वक्त शौक होता है, हमें बस ये होता है कि यार बस जो है ना बस अभी बस निकलना है, अभी बस करना है। यार प्रॉपर चैनल से आओ, अगर आप बाहर आना चाहते हो बाहर से किसी नहीं रुका, बाहर अपॉर्चुनिटीज बेहद ही आशा है। अगर कोई भी आपको कहता है ना कि यार बाहर ये है वो है, वो सब आपसे झूठ बोलते हैं, ठीक है, मैनिपुलेट करते हैं आपके माइंड को, आपको मिसगाइड करते हैं, उनकी बात आप मत सुनो। आप किसी एजेंट के हाथ में क्यों आते हो यार, आप पढ़ लिखे हो, आपने FSC किया हुआ है, आप बस गूगल है, आप सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, आप किसी कंट्री में जा रहे हो आप उसका देख सकते हो कि उस कंट्री में यार कमाई कितनी है, बेसिक सैलरी कितनी है, वेज कितना है, वहाँ पे अकोमोडेशन का क्या रेट चल रहा है। यार सारी इन्फॉर्मेशन आज का टेक्नोलॉजी का दौर है और आज कल इंटरनेट का दौर है, आज के दौर में हर एक चीज़ बहुत आसान हो गई है। वो पहले हुआ करता था, लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे और एजेंट लोग धोखा देके लोगों को बाहर भेजते थे, बोलते थे वहाँ पर फलां जगह आप जाओगे। मैं पहले तुर्की में भी था तो मुझसे झूठ बोला गया कि तुर्की में आप जाके इतने पैसे कमा लोगे, उस टाइम इतना बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी मुझे, ना इतना बहुत था, लेकिन अब वो जो चीज़ें आ गई हैं, तो जो चीज़ें मुझे पता है मैं चाहता हूँ वो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँ, आप लोगों को बताऊँ, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो उसमें। मैं आने वाले उसमें अपनी वीडियोज़ में जो दूसरे कंट्रीज की स्कॉलरशिप्स हैं, नॉर्वे हो गया, जर्मनी हो गया, उनके बारे में बात करूँगा। यार प्रॉपर देखो चैनल से आओ, सारी बात होती है, ये एजेंट के चक्कर में जो आप पढ़ते हो ना, आप डंकी लगाते हो, इससे आप अपने कंट्री को बदनाम करते हो और आप खुद भी जो है ना आप एक ऐसी चीज़ में दलदल में फंस जाते हो जिससे आप पूरी ज़िंदगी नहीं निकल पाते। यार यहाँ पे जितने भी रेफ्यूजीज होते हैं ना पूरे यूरोप में, जो खासतौर पाकिस्तानी रेफ्यूजीज हैं, उनके हालात बहुत बदतर हैं। अब तो भाई जितने भी लोग कहें ना, अब कोई स्टेटस नहीं मिलता किसी यहाँ पर पाकिस्तानी रेफ्यूजी को, क्योंकि पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है आप 90% आप बोल सकते हो पाकिस्तान पीसफुल है। तो ये आप ये बात रहने दो कि आप यहाँ पर आओगे सियासी बना पे इसका वो ले लोगे, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। यार प्रॉपर चैनल से चलो, जहाँ जा रहे हो लीगल रहो, इलीगल नहीं बनो। इलीगल बनोगे अपनी फैमिली भी बोझ बनोगे और खुद पे भी बोझ बनोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि यार देखो आप एजेंट लोगों को मुझे समझ नहीं आती, यहाँ पे लोग 7-8 लाख रुपये देके डंकियाँ लगा के आते हैं, इलीगली अपनी जान को खतरे में डाल के आते हैं, जो कि आपको एक ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट मिला है आपको, आप इतनी एक ज़िंदगी एक ही तरफ से मिलती है, उसको यार सही से गुजारो खुदा के लिए। ऐसा नहीं करो कि आप किसी की बातों में आके अपनी लाइफ के साथ वो जो है ना आप वो अपनी लाइफ को जो है ना इस तरह रिस्क में डाल दो कि आप जो है ना वो समंदर के रास्ते से और पहाड़ों की तरह 7-8 लाख देके भी आओ। यार स्टूडेंट वीज़ा मैं कहता हूँ इंतहाई एक किस्म का आसान वीज़ा है, जो आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप किसी भी कंट्री जा सकते हो दुनिया में, और आपकी रिस्पेक्ट बुक होती है और आप प्रॉपरली जा सकते हो। और आप स्टूडेंट वीज़े पे आप क्या नहीं कर सकते यार, स्टूडेंट वीज़े पे आपके अपॉर्चुनिटीज हैं। आप मेन चीज़ जिस बिहाफ पे आए हो, मेन अपनी प्रायोरिटी रखो तालीम को, अपनी तालीम पे फोकस करो, उसके बाद आप क्या बोलते हैं अपनी एजुकेशन कम्प्लीट करने के बाद आपको काम क्यों नहीं मिलेगा। अगर आप प्रॉपर चीज़ों से चलोगे, आप वहाँ की लैंग्वेज सीखोगे, आप में स्किल्स इंप्रूव करोगे, आपको जॉब मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी जॉब आपको। यार अपना सेल्फ बिलीव बढ़ाओ, बिलीव रखो अपने ऊपर
कि आपको पूरी ज़िंदगी ये जो और जॉब होती है ये ही नहीं करनी, आपको वाइट कॉलर जॉब भी करनी है। तो वाइट कॉलर जॉब के लिए भाई जो है ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है आपको। अगर आप 12-12 घंटे काम करोगे ना तो आप कभी वाइट कॉलर जॉब नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी सारी क्रिएटिविटी इससे मर जाती है। ये सब चीज़ें भाई मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि हमेशा जो है ना दूर का फ़ायदा सोचो, करीब का नहीं सोचो। हमारी जब भी जो है ना हमारी वार्ड लगती है ना हमारे फ्यूचर की या हमारी चीज़ों की, वो यही होती है कि हम गरम गरम खाने की सोचते हैं, हम करीब का फ़ायदा सोचते हैं, दूर का फ़ायदा नहीं सोचते हैं।